Hello students, I hope you all are doing very well at home. So in this video I will explain you the notebook work of chapter 15 light. तो इस chapter के notebook work में सबसे पहले हैं आपके keywords. तो पहला keyword पढ़ेंगे हम spreading out from a point, यानी कि जब एक point से चीज़ें, यानी कि हम यहाँ पे mainly बात कर रहे हैं light rays की, वो spread होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, diverging. इससे opposite हमारा second point है coming towards a पॉइंट, ठीक है. यानी कि जब बहुत सारी लाइट रेज क्या है, एक पॉइंट पर आके क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, ठीक है. थर्ड है हमारे पास एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. वो इमेज जो किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं की जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज. और इसका अपोजिट है हमारा फोर्थ एन इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, यानी कि वो इमेज जो किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है, उतारी जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है. अगला है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स, ठीक है. वाइट लाइट का सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाना, बिखर जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है. ऐसे ही हमारा सिक्स्थ है बैंड ऑफ सेवन कलर्स इन ए रेनबो, ठीक है. रेनबो में जो सात कलर की पट्टी है, ठीक है, सेवन कलर्स का बैंड है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं. तो ये हमारे छह कीवर्ड्स थे, ठीक है. अगला जो है हमारा नोटबुक वर्क में वो है डिफाइन, ठीक है. पहली डिफाइन है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था कि आपके पास दो टर्म है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है. जिसमें से रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक, यानी टकरा कर वापस आ जाना, ठीक है. तो थ्रोइंग बैक लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सरफेस, कि किसी सरफेस पर गिरने के बाद, ठीक है, किसी सरफेस पर जब कोई लाइट रे गिरती है या टकराती है, तो वहाँ पर टकरा कर वापस आ जाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसी तरह जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो क्या है, द बेंडिंग और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल कर देती है तो या तो वो बेंड हो जाती है, यानी कि या तो वो मुड़ जाती है, या फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, ठीक है. तो उस ये प्रॉपर्टी जो है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो है बाउंसिंग बैक, और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो है बेंडिंग और चेंज इन द डायरेक्शन, ठीक है. ये दो प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी लाइट की, ठीक है. तो कीवर्ड्स और डिफाइन आपके हो गए, डिफाइन आपकी सिर्फ दो ही हैं, ठीक है. अगला है हमारे नोटबुक वर्क में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, की ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. तो ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, कि वे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करते हैं, यानी कि जिनके अंदर से नेचुरल लाइट निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. हमारे एग्जाम्पल क्या है, सन लाइट एंड बल्ब. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन रे ऑफ लाइट, हमें डिफाइन क्या करना है, रे ऑफ लाइट डिफाइन करना है, कि रे ऑफ लाइट क्या होती है. तो हमारा आंसर है द लाइट ट्रेवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन इज रे ऑफ लाइट, कि एक सीधी रेखा में चलती हुई जो लाइट है, यानी कि जो रोशनी है, उसे हम क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है, यानी कि लाइट की तरंग, लाइट की रे कहते हैं, ठीक है. क्वेश्चन थर्ड है हमारे पास व्हाट इज़ ए रियल इमेज, रियल इमेज क्या होती है. तो हमने भी ये कीवर्ड में भी पढ़ा, ठीक है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज, ठीक है, कि जो इमेज स्क्रीन पर उतारी जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं. जैसे कि हमारी फोटोग्राफ्स होते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा में मूवी देखते हैं, ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, बैंड ऑफ सेवन कलर्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म, कि जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो क्या बनाती है, वो सात रंग की पट्टी बनाती है, बैंड ऑफ सेवन कलर्स बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, बैंड ऑफ सेवन कलर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द सेवन कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो के सेवन कलर्स कौन होते हैं. मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, ठीक है, उसको याद करने का एक तरीका है, उसको शॉर्ट में याद करेंगे, विबग्योर, ठीक है, VIBGYOR विबग्योर. इसमें आपके सारे कलर्स की जो स्पेलिंग है उसके इनिशियल्स लिखे हुए हैं, तो आपको सिर्फ एक ये वर्ड याद करने से याद आ जाएगा कि कौन से वर्ड का मतलब कौन सा कलर है. जैसे विबग्योर में VIBGYOR लिखा है, तो V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड रेड होता है R से, ठीक है. तो ये सेवन कलर्स होते हैं हमारे रेनबो में, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं.
अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ विल रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स एज इट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर, कि जब एयर से वाटर में लाइट ट्रेवल करती है तो वो कैसे उसमें से पास होती है। तो लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट्स स्पीड डिक्रीजेज, कि जो लाइट है वो क्या है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है वो रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और हमें पता है रेयर से डेंसर मीडियम में अगर कोई लाइट ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है और उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमारे 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने पढ़ लिए। अगला है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, पहला व्हाट इज़ मेंट बाय रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है, कि लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन से आप क्या समझते हैं। द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट डिस्क्राइब्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हमें बताता है कि जो लाइट है वो एक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ए लाइट सोर्स कैन बी सीन ओनली इफ देयर इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ, हम किसी भी लाइट को तभी देख सकते हैं अगर वो सीधी रेखा में ट्रेवल कर रही हो बिटवीन द सोर्स एंड आर आइज, जिस सोर्स पे लाइट पड़ रही है वो और हमारी आंखों के बीच में अगर लाइट की रेखा सीधी है तो ही हम उस लाइट को देख सकते हैं, वरना हम उन चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे पहले, लेंस हैविंग डाइवर्जिंग रेज आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस, वे लेंस जो क्या होते हैं डाइवर्जिंग होते हैं, यानी कि उनकी जो लाइट रेज है वो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं कॉनकेव लेंस बोलते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट में लगे हुए लेंस, कैमराज में लगे हुए लेंस, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस भी पढ़ेंगे, लेंस हैविंग कन्वर्जिंग रेज आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, वे लेंस जिनकी जो रेज है वो कन्वर्जिंग है यानी कि एक पॉइंट पर आकर मिल जाती है उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमन आई, मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, इंसान की आँख और मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब क्या होते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस का और कॉनकेव लेंस का, आप इसको भी याद करेंगे और आंसर के साथ ये दोनों लेंस का डायग्राम भी ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बीच में। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, जब लाइट क्या है किसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर पड़ती है, द सरफेस रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन ए वेल डिफाइंड मैनर, तो वो जो सरफेस है उस लाइट को वेल डिफाइंड मैनर में रिफ्लेक्ट कर देता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी और सुनी होगी तो उसमें मैंने डायग्राम के साथ आप लोगों को ये बहुत चीज़ें अच्छे से समझाई है, आप चाहते हैं तो इसके अंदर डायग्राम भी बना सकते हैं। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को जो डिफाइंड मैनर में होता है उसे हम क्या बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए रफ और अनइवन सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन, कि जब लाइट क्या है किसी रफ और अनइवन सरफेस पे पड़ती है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, और स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है, स्कैटर किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, यानी कि ऊबड़ खाबड़, यानी कि सारी जो लाइट रेज आती हैं हमारे पास जो इंसिडेंट होती है वे तो पैरेलल होती है, लेकिन अगर वो रफ सरफेस पर पड़ेंगी तो वे अनइवन हो जाएंगी, वे पैरेलल नहीं रहेंगी और किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका नोटबुक का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है, जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपकी नोटबुक आपके सामने ओपन होनी चाहिए, आप इस वीडियो को सुनने से पहले अपना नोटबुक वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।